हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, पामिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं और आपको पामिस्ट्री के बारे में यदि कुछ भी नहीं जानकारी है, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के बेसिक पामिस्ट्री से संबंधित तो जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हैं बारी बारी से, जिसमें मैंने लेसन वाइज बेसिक पामिस्ट्री 1, 2, 3, 4 इस तरह से बेसिक वाइज पामिस्ट्री को मैंने आपको समझाया है, जिसमें कि हथेली का प्रकार, फिर लाइंस, कौन सी लाइंस क्या होती है उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, और लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, माउंट्स के बारे में मैंने जानकारी दी है, ये सारे जो माउंट्स होते हैं इसके बारे में मैंने जानकारी दी है, मैंने फिंगर्स के बारे में जानकारी दी है, इस पर जो होल्स होते हैं, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं इसके बारे में भी मैंने जानकारी दी है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप यदि उत्सुक हैं तो आप हमारे बेसिक पामिस्ट्री के लेसन्स को आप देखें तो आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें समझ में आएगी। आप डायरेक्टली इस यहाँ पर इस वीडियो को नहीं देख करके, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, होल हैंड एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, उसको आप न देख करके आप बेसिक पामिस्ट्री को आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी सारी चीज़ें। तो दोस्तों, यह एक 43 वर्षीय एक वर्किंग लेडी का पाम है और इन्होंने कहा है कि हमारा वर्तमान समय जो है कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक परेशानी एक्चुअली झेलना पड़ रहा है। आर्थिक परिस्थिति तो ऐसे हाथ वालों के लिए मीन्स ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनके हाथ में कैश फ्लो नहीं रहेगा, कैश फ्लो तो रहेगा ही, एनर्जेटिक हाथ है, प्लस एनर्जेटिक हाथ होने के साथ साथ किसी भी काम को ले करके उस काम को फिनिश करने की क्षमता भी है, मतलब एम्बिशियस माइंडेड पर्सन है ये, जो एम्बिशन माइंड में बना लिया उसको ये पीछा करके प्राप्त करके ही रहेंगे, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो इस कलर ऑफ द पाम है जो पिंकिश पाम है, तो ये कुछ भी करेंगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी, भले ही अभी समय अंतराल में कुछ होता है कि पूरा होल लाइफ जो है किसी का भी, इवन रिचेस्ट पर्सन का भी नहीं, होल लाइफ जो है एक स्मूथ वे में या फिर एक अच्छी तरीके से चलता है, कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, तो वही उतार चढ़ाव का एक क्रम इनके लाइफ में आया है, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जो कि मैं इनके फिट लाइन पे आऊँगा तो मैं आप सभी को बताऊँगा कि क्या ये सारी चीज़ें बताती है फिट लाइन इनके बारे में। उंगलियों की लंबाई आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लंबाई में है, न ज़्यादा लंबा है न ज़्यादा छोटा है, तो जाहिर सी बात है। हालांकि ये यदि हम हाथ की प्रकार के बारे में बात करें तो जो हाथ की जो चौड़ाई है और लंबाई है उससे जो है फिंगर्स की लंबाई जो है छोटी है, तो एक क्विक निर्णय लेने वाली होंगी, किसी को भी जवाब दे देंगी तो तुरंत जवाब दे देती होंगी। इनका माइंड लाइन भी मार्स से होकर के जा रहा है तो एग्रेशन भी रहेगा इनके माइंड में, जाहिर सी बात है, तो कुछ ही एग्रेशन में भी किसी को ये बोल देंगी, ऐसा भी होता है, और एक तरह का प्रेशर भी इनके माइंड पर रहता होगा हमेशा, कोई भी चीज़ न अपने आप सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर होता है इस तरह का, जब हाथ होता है तो खुद ब खुद अपने आप को परेशानी में डाल करके या फिर अपने आप को प्रेशराइज करके या फिर कुछ ना कुछ टेंशन लेकर के, ताकि ये काम करना है, अपने आप को जुनूनी रूप में ये इम्पोज करते हैं किसी के ऊपर, या फिर अपने कमाने को लेकर के जनरली कहा जाए तो कमाने के सेंस में, ये तो अपने आप को, मैं ये हाथ को बहुत अच्छा मानूंगा, कमाने के दृष्टिकोण से इनका हाथ बहुत ही अच्छा है, और अभी भले ही वर्तमान परिस्थिति इनकी उतनी अच्छी नहीं रही हो, कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन ये हाथ जो बता रहा है कि हाँ, इस हाथ में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, कैश फ्लो निरंतर बनी रहनी चाहिए हमारे हिसाब से। उसके बाद जो फिट लाइन पे हम आएंगे तो धीरे धीरे हम उन सभी ईयर वाइज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। और दोस्तों, इनका हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ भी ये आप देख पा रहे हो कि कलाई कितनी मोटी है इनकी, कलाई जब इस तरह से मोटी रहती है तो व्यक्ति का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस में
जो है मणिबंध रेखाओं का जिक्र किया है कि इतना इतनी स्पष्ट यदि मणिबंध की रेखा रहती है, एक और मणिबंध की रेखा रहती है, तो इस तरह के लोग क्या होते हैं कि जब ये छोटी मणिबंध रेखा होती है तो अपने जो ट्रेडिशनल, इस तरह इन लोगों के अंदर में कुछ ऐसी विचार होती है जो कि ट्रेडिशनल लिंकिंग को ये छोड़ सकते हैं, अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए जो ट्रेडिशनली कुछ चला आ रहा हो तो उस बंधनों को ये तोड़ करके भी आगे बढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें दर्शाती हैं। फिर दोस्तों एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक और मणिबंध की रेखा स्पष्ट है जो कि इनका मनी के बारे में बताती है, तो मनी के बारे में यहाँ से भी परेशानी नहीं दिख रही है। यहाँ पर से मैं देखूँ तो यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ, तो आप देख पा रहेंगे यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे कि एक अच्छी मणिबंध की रेखा यहाँ पर से जो कि अर्ध है, पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं हुई है, तो प्रसिद्धि तो नहीं दिलाती है, लेकिन चौथी जो मणिबंध रेखा होती है तो प्रसिद्धि दिलाने में सहायक सिद्ध होती है। अगर वो पूरी मणिबंध रेखा होती तो इसका पूरा इनको रिजल्ट मिलता। तो इस तरह से मणिबंध रेखाओं की भी जानकारी हम ले सकते हैं किसी के हाथ पर यदि ये मणिबंध रेखा, 3 से 4 मणिबंध रेखाएँ होती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों 3-4 चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं इस हाथ को देखने के बाद। ऐसे ही रेखाओं को देखने की, रेखाओं को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है इस हाथ में। पहला तो इस पाम का कलर देख करके पता लगाया जा सकता है कि पैसे की कमी नहीं रहेगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक पर्सन होंगे। इनकी फर्स्ट पूर्वे की लंबाई आप देखिए, फिंगर्स के फर्स्ट पूर्वे की आप, सॉरी लंबाई नहीं, मोटाई आप देखिए, और ये इसके बीच का, ये आप जो देख रहे हैं ना 2 फिंगर्स के बीच में जो स्पेस होना चाहिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो ये जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगी, खर्च करेंगी, तो सोचेंगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि नहीं हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और गलती सही होना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये सोचेंगी ज़रूर कहीं पर भी ये पैसा लगाने से पहले या फिर कहीं खर्च करने से पहले ये ज़रूर सोचेंगी। और ऐसे लोग कम खर्चीले प्रवृत्ति के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन हालांकि इनका पाम का कलर जो है ये बताता है कि ये ऐसा भी नहीं है कि ये कम खर्चीले प्रवृत्ति की ओर भी इशारा करती है। ओवरऑल इसका टोन हम, यानी जो कि फिंगर्स के बीच की जो स्पेस होते हैं उसके टोन को लें और पाम के कलर की टोन को लें, दोनों को लें तो एक मिक्स रिजल्ट मिलता है, ना ज़्यादा खर्चीला और ना ही ज़्यादा कम खर्चीला, यानी कंजूस कह सकते हैं। ये एक एवरेज, अच्छी तरह से घर को कम से कम पैसे में कैसे चलाया जा सकता है उसको ये मैनेज करने की, मैनेजमेंट स्किल के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करती होंगी। ऐसा नहीं घर चलाने के लिए ही, मतलब पैसे को खर्च करने के संदर्भ में भी इन चीज़ों को लिया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम हाथ की एनालिसिस कर सकते हैं और डिस्कशन पे जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए इनका थंब भी कितना अच्छा मुड़ रहा है, ये इस तरह से मुड़ रहा है थंब, तो जाहिर सी बात है कि इनका फ्रेंडली नेचर होगा, ये फ्रैंक भी होंगी, ना ज़्यादा साइपनेश होना, ना ज़्यादा किसी के सामने इंट्रोवर्ट होना, जो आया सामने आया वो बोल देना। और यदि ये थंब जो है इनका मीन्स नुकीला होगा थंब, तो अपने एम्बिशन को माइंड में रख करके जब तक वो एम्बिशन पूरा नहीं होता उसके पीछे लगे रहना, क्योंकि ये हाथ एनर्जेटिक भी है और हेल्थ भी अच्छा है, तो किसी भी चीज़ की तो कमी नहीं दिख रही है यहाँ पर से। तो जाहिर सी की बात है कि जो एम्बिशन को ये माइंड में रखेंगे उस एम्बिशन को भी ये प्राप्त करने में सफल होंगे। दोस्तों इसके बाद हम उंगलियों की चर्चा करते हैं, यानी जुपिटर फिंगर की ओर आते हैं। तो ये जुपिटर फिंगर जो है थोड़ा सा झुकाव ली हुई है इनके मध्यमा उंगली की ओर, तो यदि गुरु की उंगली मध्यमा उंगली की ओर झुकाव लेती है तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति या फिर मीन्स इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म में रुचि होती है। और ऐसे लोग यहाँ से तो दिख रहा है कि इनका माइंड में एग्रेशन होता है, तो एग्रेशन और यहाँ पे इमेजिनेशन भी है, एग्रेशन और इमेजिनेशन मिल करके एक अच्छा कम्बिनेशन देता है। तो ऐसे लोग, और यहाँ पर भी मैंने जो बताया कि इनका जो यहाँ पर मीन्स की मणिबंध की जो रेखा आधी है
तो ये ट्रेडिशन को तोड़ने में विश्वास रखते हैं और अपने एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए ट्रेडिशन यदि तोड़ने के भी चांसेस आते हैं तो ये ज़रूर करेंगी। अपने ट्रेडिशंस को लेकर के अग्रेसिव होते हैं, न कि फॉलोवर्स होते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन यहाँ पर बता रही है ये उंगली कि अपने ट्रेडिशंस को, यानी अपने जो रिचुअल्स होते हैं, अपने जो धार्मिक भावना ज़्यादा बढ़ा देती है। यदि सिंपली यदि यही कह सकते हैं कि यदि तर्जनी उंगली यानी गुरु की उंगली मध्यमा उंगली की ओर मुड़ी हुई रहती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना ज़्यादा बढ़ा देती है। और ख़ास करके आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो फर्स्ट पूर्वा है कुछ ज़्यादा ही मुड़ रही है। तो यह प्रवृत्ति जब फर्स्ट पूर्वा ज़्यादा मुड़ती है तो यह प्रवृत्ति इंसान में और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। और इनकी मध्यमा की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी है इनकी उंगली, इनके फिंगर्स भी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इस हाथ में इनका जो सूरज की जो उंगली है यानी अनामिका की उंगली जो है, अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से ज़्यादा बड़ी है, सॉरी छोटी है कुछ। तो जाहिर सी बात है ये रिस्क लेने में विश्वास नहीं करते होंगे, ज़्यादा रिस्की नेचर नहीं होगा इनका। जहाँ पे इनको लगेगा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहीं पे ये करेंगी, ना कि रिस्क में लेकर के जहाँ मन हुआ वहाँ पैसा फंसा दिया या फिर किसी पे भी विश्वास कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, बाद में होगा जो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। प्रेजेंट में हमेशा चलने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर से जो मैंने बताया था कि फिंगर्स के बीच का जो स्पेस है वो भी इनके अच्छे मैनेजमेंट स्किल को दर्शा रही है कि पैसे सोच समझ करके ये खर्च करेंगी, सही जगह पे खर्च करने की कोशिश करेंगी, लगाने की कोशिश करेंगी। और इनका बेस फालांज के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है दोस्तों, इनका बेस फालांज बहुत ही अच्छा है। जब इस तरह का बेस फालांज होता है तो व्यक्ति एनर्जेटिक होता, काम को करने में एनर्जी लगाता है, अपना माइंड मीन्स तन मन धन तीनों से ये व्यक्ति प्रेजेंट रहता है। कोई भी, बहुत सारे आदमी देखते होंगे कि एब्सेंट माइंडेड पर्सन होता है, लेकिन इनमें ऐसी स्थिति नहीं होगी, ये फुल्ली डिवोटेड होकर के कोई भी काम करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इनकी अनामिका की उंगली भी किधरों नहीं मुड़ रही है, किसी भी साइड में नहीं मुड़ रही है, ना ही लेफ्ट और ना ही राइट, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इनका फ़ायदा यानी सूरज की उंगली का भी फ़ायदा, एक एवरेज फ़ायदा मिलेगा, नहीं लेकिन ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, लगभग आधे तक पहुंच रही है, मीन्स मध्यमा उंगली के टॉप फलांज के हाफ फलांज तक पहुंच रही है, तो एवरेज उंगली है। उसके बाद इसमें बात की जाए तो इसमें यदि मरकरी कोई उंगली इस तरह की होती है तो थोड़ी सी आदमी को मेमोरी लॉस की भी संभावना होती है, इंसान में उतनी मेमोरी पावर नहीं रहती है। हालांकि कहीं कहीं ये साइनेस नेचर की ओर भी इशारा करती है, लेकिन आप इनकी उंगली को आप देख सकते हैं कि इनकी उंगली इतनी, अंगूठा जो है इतना मोटा है, यदि अंगूठा इतना मोटा है और अच्छी लंबाई में है और अच्छा कर्वेचर लिए हुए है, तो ऐसे लोग ओपन माइंडेड पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ से ही सिर्फ हम देख नहीं सकते हैं कि साइनेस नेचर का होंगे, लेकिन हाँ इसका आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से तो इनका मेमोरी पावर थोड़ा वीक रहने की चांसेस है, लेकिन इनका जो जुपिटर है, जुपिटर का स्पेस बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है जुपिटर माउंट को। तो ये जो यहाँ पर जो मेमोरी पावर इनका कम है वो यहाँ पे जुपिटर जो है इनको फुलफिल करेगा, उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा जुपिटर। तो ओवरऑल मिला करके मेमोरी पावर के रेस्पेक्ट में भी कहा जाए तो अच्छा एवरेज रिजल्ट इनको मिलेगा। हालांकि जिनका इस तरह का ये इतना छोटा, तो इतना जितना छोटा दिख रहा है इस फोटो में, यदि इतना छोटा होता है तो व्यक्ति कभी कभी अपने पैसे को लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं होता है, कभी कभी अपने लाइफ में मिस्टेक भी कर देता है। यदि इतनी छोटी उंगली होती है तो मीन्स जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी भी संभावना बनी रहती है। तो ये कहीं भी आगे इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। और भी इनको मैं आगे एक सलाह दूंगा, जब मैं हर्ट लाइन पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि गुरु की माउंट पे एक इस तरह से गुरु बलय की ओर जा रही, पूर्ण बलय तो नहीं है,
आपको फिर से मैं दिखाता हूँ, पूर्ण बलय तो नहीं है, जब पूर्ण बलय नहीं होता है तो उसका पूरा फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यह भी एक धार्मिक नेचर की ओर ले जाती है। इनके सैटर्न माउंट की बात की जाए तो सैटर्न माउंट इस तरह की है कि बिल्कुल बीच में फ्लैट है, बिल्कुल बीच में इस तरह से दबी हुई, ज़्यादा इतनी दबी हुई नहीं रहनी चाहिए, तो रिज़ल्ट जो होता है व्यक्ति को जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होना चाहिए वो रिज़ल्ट मिलने में काफ़ी लेट होती है। इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है, इस तरह का प्रोफेसी किया जा सकता है इस चीज़ को देखने के बाद। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को कोई भी काम शुरू करने में ज़्यादा परेशानी होती है, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि काम को शुरू किए लेकिन अच्छी तरह से फिनिश नहीं किए। तो यहाँ पर इस ये सारी चीज़ें इनकी सैटर्न माउंट दिखाती है, और कभी कभी आलस्यपन की भी शिकार हो जाते हैं, इस तरह के सैटर्न माउंट व्यक्ति में के अंदर में ले आता है, आलस्यपन की प्रवृत्ति भी ले आता है। दोस्तों इसके बाद हम सन माउंट की बात करें तो सन माउंट भी अच्छा है, अच्छा खासा स्पेस मिला हुआ है। सन माउंट पे आप देख पा रहे होंगे दो क्लियरली लाइन है इस तरह से गया हुआ, तो एक इससे ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है तो व्यक्ति का माइंड कभी कभी कंफ्यूज होता है, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति रह जाती है। तो ये कंफ्यूज ना हो, कभी कभी सॉलिड डिसीजन लें, और यहाँ पर भी माइंड लाइन जो ज़्यादा झुका हुआ तो ज़्यादा इमेजिनेशन देता है, तो व्यक्ति वह अपोह वाली स्थिति में आ जाती है, बिल्कुल डिलेमा में हो जाता है व्यक्ति, इंसान डिलेमा में आ जाता है कि क्या करें क्या ना करें। तो एक अच्छा सा निर्णय लें, सोच समझ कर निर्णय लें आगे आने वाले समय में, तो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इनके बुध पर्वत की बात की जाए तो बुध पर्वत भी अच्छी खासी कंडीशन में, और यहाँ पर एक दो खड़ी लाइंस हैं जो कि इनको फ़ायदा दिलाएगी और ये शुभ लाइंस कही जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इस हाथ को देख करके। दोस्तों इसके बाद हम शुक्र पर्वत की चर्चा करें। शुक्र पर्वत पे जो है छोटी छोटी बारीक लाइंस, बहुत सारी बारीक लाइंस हैं, तो और शुक्र पर्वत का जो आप उभार देख पा रहे होंगे, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए शुक्र पर्वत का जो उभार है यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा उभार लिए हुए शुक्र पर्वत। तो जाहिर सी बात है कि लग्जरी की ओर इनका हमेशा लग्जरी, अपनी लाइफ को कम्फर्ट बनाने की कोशिश करना, लग्जरी से प्यार होना, फिर फॉन्डनेस ऑफ ब्यूटी, ये सारी चीज़ें, सभी चीज़ों को डेकोरेट करके रखना, जो ये सारी चीज़ें दर्शाती है। और यदि शुक्र इतना अच्छा रहता है तो व्यक्ति का लाइफ भी एक लग्जरियस लाइफ जीता है। कोई ख़ास मेजर पॉइंट्स तो नहीं दिख रहे हैं हमको शुक्र के पर्वत पे जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक मंगल की रेखा दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस पीरियड तक इनको यहाँ से मीन्स की कह सकते हैं हम कि लगभग 35 के एज से एक हल्की सी रेखा आ रही है, मैं फिर से दिखाता हूँ, एक हल्की सी रेखा यहाँ 35 के एज से शुरू होती है और यहाँ तक आती है। तो 35 से लेकर के लगभग 50 के एज तक बता रही है कि इनके सपोर्ट में कोई ना कोई खड़ा रहेगा। हल्की रेखा है तो बहुत ही हल्की रेखा है, तो मीन्स की उतना एक्स्ट्रा वैगेंस चांस नहीं देगा, सॉरी एक्स्ट्रा वैगेंस नहीं मतलब उतना पावरफुल अपना रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ जहाँ भी इनको ज़रूरत होगी कि नहीं हमें किसी की हेल्प की आवश्यकता है वहाँ पे ज़रूर इनको सहायता मिलेगी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं चंद्र पर्वत की बात करते हैं, तो चंद्र पर्वत भी इनका बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा स्पेस आप देख पा रहे होंगे, जनरली चंद्र पर्वत इस तरह से रहता है और इनके चंद्र पर्वत को आप देख लीजिए एक्स्ट्रा स्पेस मिला हुआ है। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि चंद्र पर्वत को स्पेस ज़्यादा मिले तो व्यक्ति को अपने होम टाउन से अत्यधिक दूर ले जा करके करियर डेवलपमेंट करवाता है, करियर प्रोग्रेशन करवाता है, और ये अपना करियर आप ये खुद भी फील कर सकते हैं, इस तरह के इंसान, इस तरह के लोग खुद भी फील कर सकते हैं कि जब हम बाहर में रहते हैं, अपने होम टाउन से ज़्यादा दूर में रहते हैं तो अच्छी कमाई भी होती है, हेल्थ भी अच्छा रहता है और टेंशन फ्री भी रहते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। और इनकी लाइफ लाइन की भी बात करें दोस्तों, तो लाइफ लाइन में गहराई लिए हुए है तो एक प्रेशर रहता है अपने लाइफ के ऊपर, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक तो ये हक करती हुई नज़र आ रही है वेनस माउंट को, और एक रेखा इस तरह से जारी, और इससे बहुत सारी रेखाएँ निकलती हुई नज़र आ रही हैं जो कि
चंद्र पर्वत की ओर इशारा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इनके लाइफ में यात्राएं तो बनी रहेंगी, और ये यात्राओं से यदि लाभ लेना चाहते हैं तो ये अपने होम टाउन से दूर जा कर के यदि लाभ लेंगे तो इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। होम टाउन से दूर जाने के बाद अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा ये अर्न कर सकती हैं। दोस्तों इसके बाद हम माइंड लाइन के बारे में चर्चा करें, तो माइंड लाइन सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मार्स माउंट से निकलती है और यहाँ पे सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे कि झुक जाती है, चंद्र पर्वत की ओर झुक जाती है। मार्स एग्रेशन देता है और चंद्र इमेजिनेशन देता है, ठीक है। तो मतलब बात का बतंगड़ बनाने की बात की जाए, मतलब अपने आप को सोच सर्च करके क्या होता है ऐसे लोग कि एक छोटी सी बात निकल जाती है तो सोचते रहते हैं आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा उसी को लेकर के ये लोग, ऐसे लोग टेंशन में रहते हैं। तो इनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी वो अपने इमेजिनेशन के कारण भी, अपनी कल्पना शक्ति को लेकर के भी किसी भी चीज़ को इंटेंसिफाई करके देखते हैं। कोई भी छोटी भी परेशानी रहती है तो लगता है कि आगे जाकर के ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा वैसा, मीन्स एक तरह का डर अंदर में बना हुआ रहता है, जो कि उस डर को ये निकालेंगे। और इनका मार्स निकल रहा है तो कभी कभी ये अपने आप के ऊपर गुस्सा भी आता है, दूसरे के ऊपर भी गुस्सा आता है, तो ये कभी गलती भी कर बैठेंगे इस स्थिति में। तो थोड़ा कंट्रोल रखें। और इनका माइंड लाइन से एक ब्रांच निकल करके जा रही है जो कि बुध पर्वत की ओर इधर देखती हुई नज़र आती है, तो इस तरह के व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। तो दोस्तों यहीं पर एक एनालिसिस करने की बात आती है जो कि मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनकी जो मरकरी की फिंगर है वो लगभग हाफ तक ही पहुंच रही है, जो कि यहाँ तक पहुंचना चाहिए, सेकंड फलांज के हाफ तक ही नहीं पहुंचना चाहिए, पूरा पहुंचना चाहिए था। तो ये क्षतिपूर्ति यहाँ पर मिल करके कर देगी इनको, ये रेखा छोटी है लेकिन बहुत कमाल की ये रेखा होती है दोस्तों। ये रेखा छोटी है और ये कोई ब्रांच इतना मजबूती से ये निकली है, मीन्स ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कम मजबूती है इस रेखा में, बहुत अच्छी मजबूती है। तो ये अच्छी तरह से, यानी बिजनेस यदि करना चाहती हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इमेजिनेशन का सहारा लेकर के, बिजनेस माइंडेड का सहारा लेकर के ये लाइफ में आगे बढ़ी होंगी और आगे भी बढ़ सकती हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। और दोस्तों जब माइंड लाइन एक गहराई लिए हुए हो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मोटाई लिए हुए है, तो एक तरह का प्रेशर रहता है अपने लाइफ के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर प्रेशर लिए हुए रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं इस तरह के लोग। लेकिन यहाँ के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इनका टेंशन थोड़ा रिलीज होगा। यहाँ पे खास करके आपको एक और हलचल मैं दिखाता हूँ दोस्तों इनके माइंड लाइन पे, आप देखिए यहाँ पे इस एरिया में आप देखिए, मतलब लगभग कह सकते हैं कि 8 से 10 सालों का पीरियड, मतलब कि ये पीरियड स्टार्ट हुआ होगा इनका 36-37 से, और ये लगभग पीरियड रहेगा इनका यहाँ तक का पीरियड 44-45 तक का पीरियड जो रहेगा। ये थोड़ा मेंटल एगोनी देगा इनको, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो है ही इनके थ्रू आउट द लाइफ, मेंटल प्रेशर तो रहेगा, मेंटल एगोनी रहेगी, टेंशन तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हलचल दिख रही है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही परेशान हुई होंगी, खास करके 41 के आसपास तो ये कुछ ज़्यादा ही परेशान हुई होंगी मुझे जहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आप लगभग 48-49 के आसपास भी एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, तो मेंटल प्रेशर यहाँ पर भी रहेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 60 के पास जो है ये धीरे धीरे ये मेंटल फ्री होंगी, टेंशन फ्री होंगी, तो ये जाकर के अपना टेंशन रिलीज करके ये अपने लाइफ को अच्छा स्मूथली आगे बढ़ा सकती हैं। दोस्तों इसके बाद हम फेट लाइन की बात करते हैं। फेट लाइन की इनकी शुरुआत आप देख पा रहे होंगे लाइफ लाइन से हुई है, यहाँ पर से लाइफ लाइन से शुरू होकर के इनकी फेट लाइन इस तरह से गई और यहाँ तक गई, जो कि वर्तमान एज 41 की ओर इशारा कर रही है, इनके 42-43 की ओर इशारा कर रही है। और जब भी फेट लाइन लाइफ लाइन से निकलती है तो दोस्तों मैं बताता हूँ ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, मेहनती होते हैं, जो कि मैंने शुरू में ही एनालिसिस करने प्रारंभिक एनालिसिस में ही मैंने बताया था कि ये हाथ बहुत ही परिश्रमी हाथ है, एनर्जेटिक हाथ है, लेकिन हाँ सैटर्न कभी कभी आलस्यपन देता है तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, यहाँ पे फिट लाइन से भी दिख रहा है। और यहाँ पर जो मैं बताने वाला था दोस्तों कि
अभी वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ये फेड एरिया है यहाँ तक, जो कि ये एरिया जो है मीन्स इनका 40 से स्टार्ट हुआ होगा, 40-39 से स्टार्ट होगा और ये 45-46 तक ये जाएगा, फेडेड एरिया है। फिर आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे मजबूती आई है इस रेखा में। तो यदि ये आगे जा कर के धीरे धीरे इनके लाइफ में स्मूथनेस बढ़ेगी, अभी भले ही परेशानी है लेकिन धीरे धीरे आगे इनकी लाइफ स्मूथ होगी। अभी 2 साल का पीरियड एटलीस्ट कह सकते हैं कि थोड़ी परेशानी भरी रहेगी, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, आगे का लाइफ इनका अच्छा रहेगा, जो कि यहाँ से भी टेंशन फ्री होने की ओर इशारा कर रही है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि हट लाइन के ऊपर। तो हट लाइन में आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हट लाइन है, इस तरह से है हट लाइन। फिर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर से लगभग जुपिटर माउंट को टच कर रही है और इतनी गहराई लिए हुई, इतनी मोटाई में हट लाइन, जब इतनी मोटाई में लिए हुए रहती हट लाइन, तो दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को, हर एक एनालिसिस में बताता हूँ कि जब हट लाइन मोटी होती है तो व्यक्ति को बिना सोचे समझे किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग इनको चीट करते हैं, लोग इनको चीट कर सकते हैं, और आगे भी ये पैसा लगाएं, कहीं भी इन्वेस्ट करें, किसी को दें भी तो सोच समझ करके ही दें, ऐसे ही ना दे दें, क्योंकि ये हट लाइन भी इनको चीटिंग की ओर इशारा करती है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं एक यब का भी साइन बन रहा है हल्का सा, तो इनको श्वास छोड़ने और लेने से भी संबंधित बीमारी की ओर इशारा करती है। यानी ज़्यादा चलने के बाद सांस फूलने लगना, सीढ़ी चलने के बाद सांस फूलने लगना, कभी कभी सांस में लेने में तकलीफ होना इस तरह का, एसी में गए तो सांस लेने में परेशानी हो रही है, सर दर्द की शिकायत होना कभी कभी, ये सारी चीज़ें मीन्स हृदय से रिलेटेड संबंधी, हृदय से संबंधित परेशानियाँ भी हो सकती है। कभी कभी ऐसे लोगों को जब यहाँ पर इस तरह का यब साइन बनता है तो चीटिंग भी करता है, लोग इनके ऊपर चीट भी करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक ही चीज़ है कि ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि ये प्रिवेंट करें, अपने आप को बचाएं, किसी को भी पैसे देने के पहले 100 बार सोचें कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसे हम वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे थे दोस्तों इस हाथ के बारे में। और यह एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आप मुझसे भी आप अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप अपने हाथ का भी एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के अबाउट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर माई फेसबुक पेज पर क्लिक करें और फेसबुक पेज पर जा करके आप हमारे पेज को लाइक करें, और उसके बाद आप हमें मैसेज के थ्रू आप बात भी कर सकते हैं और आप एनालिसिस से संबंधित बातें भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।